जरूर आने वाले तीन ओवर में किस तरीके से रणनीतियां यहां पर दिखाई जाएंगी टीम शिरडोन द्वारा, किस तरीके की बल्लेबाजी होगी टीम डेरावली द्वारा। डेरावली टीम की बात करेंगे सुबह के सत्र में जिन्होंने दो राउंड जीते हैं और अब जरूर काफी अरसे बाद आराम करने के बाद अब डेरावली टीम इस मैदान के ऊपर खेलते हुए नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ बात करेंगे शिरडोन टीम जिनकी जरूर लाइन से मैचेस हो रही है, जिनको अब जिनका खून अब गर्म है गर्म, और इस टीम के सामने डेरावली टीम किस तरीके का प्रदर्शन करेंगी ये यहां से देखना होगा। मैच काफी रफ एंड टफ होगा, मैच काफी कड़ा होगा, तीन ओवर का मुकाबला। ऑफिशियल्स अंपायर्स भाविस्कर सर जरूर मैदान के अंदर जाते हुए उनका भी हम स्वागत करेंगे, एक अंपायर जो करावे की है उनका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत करेंगे, सभी का स्वागत। यहां से जरूर मैच ऑन होता हुआ नजर आएगा टीम शिरडोन बनाम डेरावली के बीच में यह मुकाबला। डीजे मास्टर भी अब तैयार हो गया, अच्छे अच्छे सुनहरे गीत डीजे मास्टर द्वारा तीन दिनों से काफी अच्छी डीजे मास्टर की भूमिका में नजर आते हुए हमारे डीजे ऑपरेटर डीजे हर्ष, जरूर काफी अच्छी डीजे ऑपरेटिंग की भूमिका होती है। स्कोरिंग की बात करेंगे, स्कोरिंग की भूमिका में हमारे रावे गांव के दोस्त निकित पाटिल काफी अच्छी स्कोरिंग की भूमिका में नजर आते हुए उनका भी हम स्वागत करेंगे। अब यह मुकाबला है ना, काफी बड़ा मुकाबला है, किसी एक ट्रॉफी का हकदार यहां से बनते हुए नजर आएगा, जो जीतेगा वो सिकंदर बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन मैच अब शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, गेंदबाजी मार्ग पर शिरडोन एक्सप्रेस गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे। गेंदबाज तेजस चौधरी गेंदबाजी के लिए तैयार, सामने बल्लेबाज टीम के कप्तान टीम के सर सेनापति अतुल भोईर स्ट्राइक एंड के ऊपर, कई सालों का अनुभव है, कई सालों का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस इज अ गुड टीचर इन योर लाइफ। व्यासपीठावर तुम्ही पाहता आमचे सन्माननीय जय बजरंग हॉटेलचे मालक आमच्या दत्ताशेठ मुखादम यांचं शुभागमन झालंय, त्यांच्या माध्यमातून मला मॅन ऑफ द मॅचच्या ट्रॉफीचा मला दिला गेला आहे। त्यांच्या सौभाग्यवती शिरडोन ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सदस्य आहेत, त्यांचा मी मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून। पहली गेंद और पहले गेंद के ऊपर क्या रनिंग बिटवीन द विकेट दो खिलाड़ियों के बीच में, अतुल भोईर और अमीर भोईर इन दोनों बल्लेबाजों द्वारा, एबी अतुल भोईर रेबी की तरह जरूर रनिंग यहां पर नजर आई थी। चीते की चाल जिस तरीके से होती है उस तरीके से पहले रन को पूरा किया, लेकिन दूसरी रन जब पूरा किया तो ऐसा लग रहा था कि चीता मानो मैदान के अंदर दौड़ रहा है, इतनी तेज रनिंग अतुल भोईर द्वारा दिखाई गई। दो रन पहले गेंद के समाप्ति के बाद, फिर एक बार तेजस चौधरी तैयार हो गए, यंग टैलेंट टीम शिरडोन का। यहां से यह गेंद बिल्कुल गैप सिलेक्शन नजर आता हुआ लॉन्ग ऑन की तरफ, लॉन्ग ऑफ के जब तक के खिलाड़ी आएंगे फील्डिंग करेंगे, रनिंग बिटवीन द विकेट की मैं दाद देना चाहूंगा इन दोनों की। दो रन पूरे होते हुए नजर आ रहे, आंखों में इशारा किया और इस गेंद के ऊपर एक और दोहरा शॉट मिलता हुआ, दो रन इस गेंद के ऊपर, कुल टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ चार रन। तीन ओवर का यह मुकाबला है, चार रन स्कोर कार्ड के ऊपर, प्रति गेंद के ऊपर दो रन बना रहे टीम डेरावली के बल्लेबाज, काफी अच्छी बल्लेबाजी होती हुई इस मैदान के ऊपर। मैंडेटरी पावर प्ले का यह पहला ओवर, दो खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर है, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई नजर आ रही है अतुल भोईर द्वारा। फिर एक बार गेंदबाज तेजस तैयार, तेजस की यह गेंद वेरिएशन दिखाया था, जरूर वहां पर कोशिश थी, प्रतिकेश शायद थे वहां पर कैच छूटता हुआ नजर आया, लेकिन उनके कोशिश की मैं दाद देना चाहूंगा। एक रन इस गेंद के ऊपर मिलते हुए, एक की मदद से टीम की टोटल में इजाफा होगा, पांच रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहली बार अब स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज अमीर भोईर आते हुए नजर आ रहे, अमीर भोईर पहले मुकाबले में क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, अमीर भोईर ने 32 का पीछा करना था और उस मुकाबले में अकेले आखिरी गेंद तक डटे रहे थे ये बल्लेबाज। इस बार देखिए लोवर फुल टॉस गेंद कैप सिलेक्शन, कवर्स की बाउंड्री को चीरती हुई गेंद, डीप कवर बाउंड्री लाइन से बाहर, मिलेंगे चार, अमीर भोईर ऑन फायर। डीजे चार रन मिलते हुए इस गेंद के ऊपर, कुल टोटल में इजाफा होगा टीम की टोटल 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई, गेंदबाज को वापसी करनी होगी इस मैदान के ऊपर। इस बार ओवर वन देखिए अपील जरूर हो रही है अंपायर के पास, वहां पर अपील हो रही है लेकिन अंपायर ने तुरंत नकारा, लेग बाइज की है, रन मिलती हुई नजर आएगी टीम की टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बढ़ती हुई। पांच गेंदों के समाप्ति के बाद 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, अच्छी गेंदबाजी होती हुई तेजस चौधरी द्वारा। अभी तक अगर बात करेंगे 10 रन खर्च किया और मैंडेटरी पावर प्ले में 10 रन
इस मैदान के ऊपर उतने ज्यादा है नहीं, अच्छी गेंदबाजी तेजस की होती भी नजर आ रही है। फिर एक बार अतुल भोई स्ट्राइक गेंद के ऊपर रहेंगे। इस बार ये गेंद हवा में गेंदे, अब डिंडा नहीं करेंगे गलती, विकेट नंबर एक मैदान से बाहर, टीम के कप्तान बल्लेबाज अतुल भोईर बैक टू पैवेलियन। थैंक यू सो मच डीजे। बघा दैनिक सागर जो न्यूज पेपर तुम्ही पाहताय, पत्र तुम्ही पाहू शकाल, आणि त्यामध्ये ज्या पहिल्या दिवसाचा उद्घाटनाचा सोहळा त्या पेपरमध्ये आपण पाहतो, या स्पर्धेचा आज रेखाटला गेलेला आहे, तुम्ही पाहू शकाल। आज आपण पाहतो आमचे सन्माननीय आधारस्तंभ ज्येष्ठ पत्रकार माधवजी पाटील असतील, त्यांचा वाढदिवस आहे, अभिष्ट चिंतन सोहळा, आणि ते व्यासपीठावर उपस्थित झाले, त्यांचं आपण स्वागत करूया। संध्याकाळच्या सत्रामध्ये तो सोहळा सुद्धा या व्यासपीठावरून खूप मोठ्या थाटामाटामध्ये पाहायला मिळेल। आज बरेचसे कार्यक्रम आज आपण बघत त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं तुम्ही पाहताय बऱ्याच ठिकाणी, आणि खूप चांगले व्यक्तिमत्व आपल्या लेखणीमधून आपण पाहिलं, तर ज्यांनी बऱ्याचशा मग या समाजामध्ये प्रश्नांना न्याय मिळाला, न्याय दिला गेला, आणि आपल्या लेखणीनं अगदी चांगलं काम त्यांच्यामध्ये पारदर्शक काम पाहायला मिळालं, ते आम्ही तुम्हा आम्हा सर्वांचे लाडके काका आमचे माधवजी पाटील, आणि त्यांचा आज वाढदिवस, त्यांना आपण वाढदिवसाच्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून खूप साऱ्या शुभेच्छा देऊयात। नक्कीच आपल्याला आयुष्य लाभो, जास्तीत जास्त आयुष्य लाभो अशी आपण ईश्वरचरणी प्रार्थना करूया, सुखसमृद्धीचं आयुष्य आपल्याला जावो अशी आपण प्रार्थना करूया, आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून आयोजकांच्या वतीनं, पूर्ण स्पर्धेच्या माध्यमातून सर्वांच्या वतीनं आपल्याला खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील। गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए फालचंद्र कातकरी रफ्तार के सौदागर, पहली गेंद और पहले गेंद के ऊपर प्रहार करने की कोशिश, वहां पर फील्डिंग की जरूर कोशिश थी लेकिन नाकामयाब रहे, गेंद वन बाउंस सीमा पार, अमीर भोईर के बल्ले से आता हुआ एक और शानदार चौका। कातकरी के पहले गेंद के ऊपर चौवा धागा बल्लेबाज अमीर भोईर ने, जरूर अमीर भोईर ने तीन गेंदे खेली, आठ रन इस मैदान के ऊपर बनाते हुए, काफी अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन भालचंद्र कातकरी वेरिएशन दिखाते हुए नजर आए। ये गेंदबाज काफी जरूर चतुर गेंदबाज है, चाणाक्ष गेंदबाज है, बल्लेबाज की खूबियां जानता है और उसी के तरीके की यह गेंदबाजी होती भी नजर आई। पहली गेंद रफ्तार से फेंकी थी, बल्लेबाज ने लाइन में आया और लॉन्ग आउट के ऊपर से चौवा दागा, दूसरी गेंद के ऊपर तुरंत वेरिएशन, ये गेंदबाज द्वारा पलटवार होता हुआ नजर आया, वार के ऊपर पलटवार होता हुआ। फिर एक बार बालचंद्र तैयार, मिस टाइम स्ट्रोक, हवा में गेंद है, रोशन पवार गेंद के नीचे कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहां से क्या छूटती भी नजर आ रही है। इस गेंद के ऊपर दो रन मिलते हुए, दो की मदद से टीम की टोटल में इजाफा होगा, कुल टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन एक विकेट को नुकसान पर टीम डेरवली। पहले बल्लेबाजी करते हुए डेरवली टीम इस मैदान के ऊपर नजर आ रही है, काफी दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए, उन तमाम दर्शकों का स्वागत करना चाहूंगा। काफी अच्छी टूर्नामेंट भिगनार्था स्पोर्ट तुरमाले आयोजित इस टूर्नामेंट में आए हुए तमाम दर्शकों का स्वागत है। फिर एक बार भालचंद्र कातकरी की तरफ जाएंगे, जिन्होंने तीन गेंदों में छह रन खर्च किया अपने ओवर में, अच्छा ओवर फेंकते हुए, फील्डर उनका साथ नहीं दे रहे लेकिन अभी तक बात करेंगे गेंदबाजी अच्छी होती भी इस मैदान पर भालचंद्र की। अगली गेंद, फिर एक बार स्लो ओवर वन फेंकी थी, वहां पर निकेश है, सिंगल रन इस गेंद के ऊपर मिलते भी, अच्छी गेंदबाजी भालचंद्र ने जरूर तुरंत बल्लेबाज की दिमाग को जांच लिया था, एक गेंद रफ्तार से कर रहे, दूसरी गेंद तुरंत स्लो ओवर वन फेंक रही है, जरूर बल्लेबाज भी जब पावरफुल फॉर्म में रहता है तो हर गेंद के ऊपर प्रहार करना चाहता है और ऐसे कारण मिस टाइम स्ट्रोक ज्यादा लगाते हैं, लेकिन अब भालचंद्र जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन, तीन ओवर का मुकाबला, कम से कम 30 से 33 रन बनाने होंगे इस मैदान के ऊपर टीम डेरवली को, क्योंकि शिरडोन टीम भी काफी जाने माने टीम है, इसी जरूर विभाग की यह टीम है, इसी एरिया की टीम शिरडोन यहां से नजर आती भी। इस बार मल के हाथों से केला स्क्वायर लेग रीजन में वहां पर खिलाड़ी तैनात, सिंगल रन इस गेंद के ऊपर मिलती भी नजर आ रही है, सिंगल के मदद से टीम के टोटल में इजाफा होगा, 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरे ओवर की बात करेंगे, अभी भी एक गेंद यहां से शेष है, पहला ओवर फेंका था गेंदबाज तेजस चौधरी ने, 10 रन खर्च किए थे अपने ओवर में, दूसरा ओवर फेंका भालचंद्र ने, अभी तक अगर बात करेंगे
8 रन खर्च करते हुए 5 गेंदों की समाप्ति के बाद पिछली ओवर के आखिरी गेंद के ऊपर विकेट था। इस ओवर के आखिरी गेंद के ऊपर क्या होगा ये जरूर देखना होगा। आमिर यहां से मैदान के अंदर है। इस बार देखिए अच्छा शॉट यहां से गैप सिलेक्शन नजर आता हुआ खिलाड़ी जब तक की पहुंचेंगे वहां पर दूसरा चुराने की कोशिश जरूर डेंजर एंड के ऊपर थ्रो किया था लेकिन 2 रन से नहीं चुकेंगे। 2 की मदद से ओवर नंबर दूसरा यहां से होता हुआ समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते समय टीम डेरावली ने रन बनाए कुल मिला के 20। आने वाले अंतिम ओवर में अब किस तरीके से कितना टारगेट चिल्ड्रन टीम के पास रखेंगे ये यहां से देखना होगा लेकिन मौका देंगे डीजे मास्टर को। पानी की मांग मैदान के अंदर हो रही है तुरंत पानी लेकर मैदान के अंदर जाना है डीजे। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। तो जरूर 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए 20। अंतिम ओवर यहां से अब बाकी है डिंडा के ऊपर अब जिम्मेदारी होगी। डिंडा का ये ओवर काफी कुछ मायने रखेगा। पहले आपने क्या किया इसके ऊपर अब लोग कम ध्यान देंगे अभी आप क्या करेंगे इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये मैच है जो ट्रॉफी का हकदार बनाएगा किसी एक टीम को। कौन सी टीम होगी जो आज अपने घर या बड़ी ट्रॉफी बिग ट्रॉफी लेकर जाएगी ये यहां से देखा जाएगा। अंतिम ये मुकाबला है ये मुकाबले में जरूर जो जीतेगा वो सुपर 3 में क्वालिफाई होता हुआ नजर आएगा। पहले दिन की बात करेंगे भूमि 11 मांडा टीम जिन्होंने सुपर 3 में क्वालिफाई किया। कल के दिन की बात करेंगे रोहिंजन टीम ने जयदुर्गा रोहिंजन टीम ने सुपर 3 में क्वालिफाई किया। आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन में ये जरूर सुपर 8 में फाइट होती हुई नजर आ रही है। अंतिम मुकाबला है जो जीतेगा वो ट्रॉफी का हकदार 101% बनता हुआ नजर आएगा। स्ट्राइक इन के ऊपर बल्लेबाज आकाश भोईर तैयार रहेंगे। डिंडा की ये गेंद देखिए डिंडा क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं परफेक्ट टप्पा और उसके बाद घुमाओ ये डिंडा की खासियत है और क्या जबरदस्त गेंदबाजी। रायगढ़ प्रीमियर लीग हो ओपन की टूर्नामेंट हो कहीं भी ये गेंदबाज काफी जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए हमने देखा है। रायगढ़ प्रीमियर लीग में अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को इन्होंने बांध कर रखने का काम किया है लेकिन आज अब अंतिम ओवर का जिम्मेदारी है। 5 गेंदे अभी भी शेष है टीम की टोटल 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार ये गेंद देखिए बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे कि कौन किस तरीके से गेंद यहां पर आ रही है। इस बार सिंगल चुराया सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। इन सिंगल की मदद से टीम की टोटल में इजाफा होगा कुल टोटल 21 रन 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। डिंडा के ऊपर प्रहार करने होंगे यहां से बल्लेबाजों को। डेरावली के बल्लेबाज अभी भी आमिर भोईर मैदान के अंदर है। आमिर को कुछ कर दिखाना होगा इस मैदान के ऊपर। इस बार ये गेंद कट कर दिया भालचंद्र वहां पर है लेकिन गेंद गैप में गिरती हुई सिंगल पूरा किया खिलाड़ी वहां पर कोशिश कर रहे हैं अच्छी फील्डिंग होती हुई नजर आ रही है। 2 रन पूरे किए तीसरा चुराने की कोशिश और 3 रन पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। 3 रनों की मदद से टोटल में इजाफा होगा कुल टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है 24 रन। काफी कड़ा मैच होगा क्योंकि डेरावली टीम की गेंदबाजी जितनी अच्छी है बिल्कुल जबरदस्त गेंदबाजी है और अच्छे अच्छे बल्लेबाजों का आज इन्होंने बांध कर रखा है लेकिन शिरडोन टीम के पास कितने रनों का ये लक्ष्य रख पाएंगे डेरावली के बल्लेबाज ये यहां से देखना होगा। डिंडा की गेंदबाजी 3 गेंदों में 4 रन खर्च करते हुए नजर आ रहे डिंडा। स्ट्राइक एंड के ऊपर फिर एक बार आकाश भोईर तैयार। इस बार ये गेंद बिल्कुल पट्टे में गेंद आई थी वहां पर गैप सिलेक्शन नजर आता हुआ खिलाड़ी जरूर वहां पर पहुंचते हुए इस गेंद के ऊपर रन मिलते हुए 2-2 की मदद से बढ़ती हुई टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए नजर आ रहे। अभी भी 2 गेंदे यहां से बाकी है 30 रन के पास जरूर डेरावली टीम पहुंचने की कोशिश करेगी। 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है डिंडा फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर तैयार होते हुए।
इस बार स्टेप आउट हुए थे, वहां से जरूर आगे आकर बल्ला घुमाने की कोशिश जरूर की थी, अपील जरूर हो रही है, लेकिन आप यहां से ये डॉट गेंद की समाप्ति होती भी नजर आ रही है। टीम की टोटल वहीं पर रुकती भी नजर आएगी। 26 अंतिम गेंद यहां से शेष है डिंडा की। डिंडा क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे, पांच गेंदे फेंकी और पांच गेंदों में 6 रन खर्च करते हुए इस मैदान के ऊपर नजर आ रहे हैं टिंडा देवेंद्र मुकादम। स्ट्राइक एंड के ऊपर आकाश बोईर। ग्रामीण क्रिकेट जब भी हम देखते हैं गेंद जरूर जब डॉट होती है तो बल्लेबाज को एक ही लगता है कि यह गेंद वाइड है, और हर बार अंपायर के पास अपील किया जाता है, लेकिन अंपायर व्यासपीठावर ज्यांचा अपमान होता है त्यांची सन्माननीय नितीन दादा चोरगे असतील विशेष कार्यकारी अधिकारी, त्यांचा मी स्वागत करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून। अगदी खूप चांगले व्यक्तिमत्व सातत्याने, मग तुरमाळा गावामध्ये ज्या ज्या स्पर्धा असतात त्या प्रत्येक वेळा ते उपस्थित असतात, त्यांचं आपण स्वागत करू या स्पर्धेच्या माध्यमातून। यहां से इस गेंद के ऊपर विकेट मिलता हुआ नजर आएगा, इसी के साथ पहला सत्र होता। यस अंपायर, रन आउट, विकेट नहीं है, डॉट गेंद। यस डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। तीन ओवर का खेल हुआ समाप्त, तीन ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए 26, 27 रनों का पीछा यहां से करना होगा टीम शिरडन को। यह पीछा किस तरीके से होगा ये हम जरूर देखेंगे। ग्रामीण क्रिकेट की मैं बात कर रहा था, जब भी बल्लेबाज कोई भी गेंद डॉट होता है तो पहले वाइड की मांग करता है, और ग्रामीण क्रिकेट एक ऐसा क्रिकेट है ना जहां पर पूरे गांव की उम्मीद रहती है, पूरा गांव आपसे उम्मीद लगा के रहता है कि ये बल्लेबाज अच्छा करे, ये गेंदबाज अच्छा करे। यहां पर जरूर पैसे कम मिलते हैं, पैसे के लिए ग्रामीण क्रिकेट खेलते ही नहीं है, यहां पर गांव का सम्मान होता है, यहां पर गांव का मान होता है, इसी के लिए खेला जाता है ये क्रिकेट। और ग्रामीण क्रिकेट में जरूर मैं बात करूंगा, अगर जीते तो ताली देते हुए नजर आते हैं, लेकिन हारने के बाद भी गाली देते हुए नजर आते हैं, ये क्रिकेट है। यहां से जरूर आने वाले तीन ओवर में 27 का पीछा किस तरीके से होगा ये दिखाया जाएगा, और इसके आगे का हाल सुनाएंगे मेरे साथ कमेंटेटर शेखर जी पाटिल सर। थैंक यू सो मच अमित जी पाटिल। व्यासपीठावर तुम्ही पाहताय जय मल्हार हॉटेलचे मालक, आणि तुम्ही पाहू शकाल मग आमची क्षणभर विश्रांती। आज अगदी तुम्ही पाहिलं तर मग आज मराठी माणूस व्यवसाय उद्योगधंद्यामध्ये पुढे आहे। श्रीडंगाव म्हटलं तर मग हॉटेल्स व्यवसाय तुम्हाला पाहायला मिळेल। अगदी या गोवा हायवेच्या बाजूला जितके हॉटेल्स असतील तिथे आपण पाहिलं तर सर्व श्रीडंगावातील सर्व स्वतः मालक आहेत। आमचे दत्तशेठ मुकादम असतील, त्यानंतर दुप्तज ज्यांचं आगमन झालं ते तुम्ही पाहता, आमचे जगदीश चंद्र मुकादम, अगदी क्षणभर विश्रांती आणि जय मल्हार हॉटेल अगदी रुचकर जाऊ, मग वेगवेगळ्या डिशेस तुम्हाला पाहायला मिळतील। आणि ते मालक जगदीश चंद्र मुकादम यांचं व्यासपीठावर इथे आगमन झालं आहे, त्यांचं आपण स्वागत करूया या स्पर्धेच्या माध्यमातून। विघ्नहर्ता ट्रॉफी तुम्ही पाहताय, आमचे ज्येष्ठ पत्रकार माधव काका पाटील यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून ही स्पर्धा, आणि आज मात्र या स्पर्धेचा अंतिम शेवटचा मेगा फायनलचा दिवस आणि संध्याकाळच्या सत्राला मात्र सुरुवात होत असताना तुम्हाला पाहायला मिळाला कोणता संघ सुपर 3 साठी क्वालिफाय होईल, कोणता संघ सुपर 3 मध्ये आजच्या दिवसामधून जाणार, यासाठी दोन्ही संघ मैदानाच्या आतमध्ये आपला खेळ दाखवत असताना एका बाजूला तुम्ही पाहताय बेरवली संघ आणि दुसऱ्या बाजूला शिरोडन संघ। प्रथम पूर्वार्ध संपलं, 3 षटकामध्ये टोटल जमल्या 26 धावा आणि 27 धावेचं आव्हान मात्र ठेवलंय ते टीम तुम्ही पाहता शिरोडन समोर डेरवली संघानं। हे आव्हान पेळलं जाईल, पार पडलं जाईल, धावा कशा होतील डिपेंड होतील। जी गोलंदाजी आपण पाहिली तर मग डेरवली संघाने 2 सामन्यामध्ये खानावले, आणि मग दुसरा सामना आपण पाहिला होता डेरवली आणि करंजडे, त्या संघाला परास्त करण्याचं काम केलं होतं। आणि असं असताना मग जर आपण पाहिलं ना तर मग जर विचार केला तर येणारे चेंडू आता मात्र 18, 3 षटक आणि मग टोटल 27 धावेची गरज आहे। 9.00 सरासरीनं करायच्या 27 धावा, अगदी सामन्याला होते लगेच सुरुवात, कारण विचार केला तर मग डेरवली संघाचा सामना सुद्धा आपण पाहिलं तर नारपुलीच्या मैदानावर सुद्धा आहे डे नाईटची ती स्पर्धा, आणि अगदी तिथे सामना सुद्धा असणार आहे। शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल आमचे नितीन भाई चोरगे साहेबांचं, शुभ सन्मान या व्यासपीठावरती केला जाईल, त्यांचं
नुकताच सदीच्या भेट देण्यासाठी या व्यासपीठावरती आलेत. विघ्नार्थ चषक 2024 त्यांचा शुभ सन्मान केला जाईल. मी आयोजक आमचे राकेश दादाने विनंती करतोय की त्यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी करावा. मायेची उबदार श्वाल स्वागत करू सगळ जणांचे आलेल्या अतिथी मान्यवरांचे आणि या मान्यवरांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. एक चांगलं व्यक्तिमत्व कुशल नेतृत्व म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं ते नितीनबाई यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. मायेची उबदार श्वाल प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि स्पर्धेची गुड आठवण सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. सन्माननीय आमचे जय मल्हार हॉटेलचे आमचे सर्वे सर्वार्थ मालक आदरणीय जगजीत दादा मुकादम साहेबांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. मी आयोजकांना विनंती करतोय की आपल्या पवित्र शुभासे जे आज सदीच्या भेट देण्यासाठी या ठिकाणी आले गेले सर्व व्यवसाय सांभाळून अगदी आपल्या बहुमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी दिला त्यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जातो आयोजकांच्या माध्यमातून. त्यांचं सुद्धा आम्ही मोस्ट वेलकम साहेब आपलं जो आपला वेळात वेळ काढून बहुमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी दिला. त्यानंतर आमचे वैभवदादा साळवी यांचं सुद्धा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल आयोजकांच्या माध्यमातून. जे आमचे वैभवदादा साळवी यांना विनंती आहे की आपल्या सन्मानाचा स्वीकार या ठिकाणी करायचा आहे आणि आमचे आयोजक मंडळी या ठिकाणी त्यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. राकेश दादा आणि त्यानंतर आमचे गणेश दादा यांना विनंती करतोय की आपल्या पवित्र शुभासे वैभव साळवी दादाचं या ठिकाणी शुभ सन्मान या ठिकाणी करावा. मॅच सुद्धा फार चांगली होते चौकार येतोय मैदानावरती पाहुण्याचा शुभ सन्मान सुद्धा केला जातोय कारण प्रत्येक जण आज शेवटचा दिवस आहे की खऱ्या अर्थानं विघ्नहर्ता चषक 2024 जे खऱ्या अर्थानं आमचे माधवजी पाटील ज्येष्ठ पत्रकार यांच्या नावाची वाढदिवस मांडा टीमचे कॅप्टन आणि रोहिंजन टीमचे कॅप्टन जर आपण आला असाल तर आयोजकाशी रिपोर्टिंग करायचे. रोहिंजन टीम आणि मांडा टीमचे कॅप्टन आपण जर आला असाल तर रिपोर्टिंग आयोजकांशी करायचे लगेचच. मांडा टीम या ठिकाणी दाखल झाले. रोहिंजन टीम जर आपण आला असाल कोण प्रतिनिधी आला असेल तर आयोजकांशी लगेचच आपण रिपोर्टिंग करायचे. उल टू कॉम्बॉक्स शेखरजी पाटील थाप संख्या 15 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतीय. आमची भूमी 11 मांडा संघाचे पुरस्कर्ते आणि या संघाचे खूप चांगले व्यक्तिमत्व तुम्ही पाहता. आमचे जगनदादा पाटील यांचं आगमन झालंय. नक्कीच तीन संघ राहतील. मग आपण विचार केला तर एका बाजूला मांडा संघ, त्यानंतर कालचा रोहिंजण आणि या मॅच मधून जो जिंकेल तो त्यामध्ये मग लकी ड्रॉ पाहायला मिळेल आणि मग कोण असेल मेगा फायनलचा दावेदार, त्यानंतर मग कोण असेल सेमी फायनलमध्ये दोन संघ खेळतील. परंतु आता मात्र येणारे चेंडू 12 आणि 12 धावेची गरज आहे. 12 चेंडू 12 समीकरण पाहायला मिळतं पहिल्या षटकामध्ये. काय सुपर डुप्पर मी म्हणेन पवन कव्हर ड्राईव्ह पाहायला मिळाला. पॉईंट कव्हर ड्राईव्ह, त्यानंतर मग थर्ड मॅन आणि अगदी आपण पाहिलं तर मग रोशन पवार तुरमाळे गावचे जावई तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. अगदी चांगला खेळ त्यांचा पाहायला मिळतो. बघा रेंज अगदी चांगल्या पद्धतीनं आहे आणि त्यांचा खेळ चांगला पाहायला मिळतोय. परंतु इथे मात्र येणारे चेंडू 12 आणि 12 धावेची गरज आहे. बॉलिंग मार्कवर गोलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळेल तो डेरबी टीम कडून अमन हातमोडेला तुम्ही पाहताय. अमन हातमोडेला तुम्ही पाहू शकाल. येणारे चेंडू 12 आणि 12 धावेची गरज आहे. पहिला चेंडू तुम्ही पाहता या वेळेला चांगला झेल टिपला जातोय. शॉर्ट कव्हर मध्ये
फटका खेळण्याचा प्रयत्न तुम्ही पाहिला आणि प्रभाकरचा हा फटका मात्र फसला आणि फलंदाज मात्र बाद झालाय. तो शिरोडन टीमचा पहिला. प्रभाकर टकले. बॅक टू द डग आउट. हरीशनं मात्र हा झेल टिपला आणि त्यानंतर आता मात्र येणारी चेंडू 11 आणि या 12 धावेची गरज. 11 चेंडू आणि 12 धावेची गरज. सामना तुम्ही पाहताय चुरशीचा, सामना तुम्ही पाहताय अगदी दोन्ही संघांच्या अस्तित्वाचा. आमचे प्रेम सुद्धा तुम्ही पाहताय, तुरमाळ्याचे प्रेम आहेत, ते सुद्धा मॅचचा आनंद घेत आहेत. 3 दिवस झाले, त्या प्रेमचं करूया आपण स्वागत. परंतु येणारी चेंडू 11 आणि आता मात्र 12 धावेची गरज आहे. 11 चेंडू आणि 12 धावा. अतुल भोईरला तुम्ही पाहताय क्षेत्ररक्षण सजवत असताना. कारण माइंड गेम खूप चांगली आहे त्यांची. अगदी आपण पाहिलं तर क्षेत्ररक्षण सजवणं, गोलंदाजी कशा पद्धतीनं करणं, हे बऱ्याचशा गोष्टी त्यांच्या माध्यमातून आम्ही पाहिल्या आहेत. आणि अगदी आता मात्र येणारे 11 चेंडू आणि 12 धावेची गरज आहे. 12 धावा डिपेंड करायचे आहेत. मागच्या मॅचमध्ये 38 धावा डिपेंड झाल्या होत्या 4 षटकामध्ये. परंतु आता मात्र 11 मध्ये 12 धावा डिपेंड करायचे आहेत. निकेश चौधरी येत आहे स्ट्राईक एंडवर. पहिला चेंडू, दुसरा चेंडू या षटकामधील आपण पाहिला आणि पहिल्या चेंडूवर विकेट आली आणि त्यानंतर हा चेंडू मात्र डॉट पाहायला मिळतोय. या चेंडूची खूप गरज असणाऱ्या डेरवली संघाला. या सामन्यामध्ये जर शिरकाव करायचा असेल आणि असं असताना मग जर आपण विचार केला तर येणारे चेंडू 10 आणि मग 12 धावेची गरज. परंतु आम्ही म्हणेन शिरडोन संघाला सुद्धा एखादा बिगिट जर आला चौकार षटकार तर सामना खुलावू शकतो. परंतु इथे मात्र चुकी झाली या वेळेला. शंकर गायकवाडला तुम्ही पाहताय चेंडू फील्ड करण्याचा प्रयत्न झाला, चेंडू हाताला मात्र लागला, अगदी बाउंस झाला आणि चेंडू मात्र सरळ सीमारेषेच्या बाहेर पडलाय. 4 धावा चौकार. चौकारने या मॅच मध्ये आता आणखी वेगळी चुरस पाहायला मिळाली. बघा फुल टॉस चेंडू पाहायला मिळाला आणि सरळ चेंडू या वेळेला तुम्ही पाहताय मिड विकेटच्या वरतून लगावलेला अमनच्या चेंडूवर हा येतोय षटकार. 7 धावा. कर्णधार रोहिंजन टीम. पुन्हा एकदा आम्ही अनाउन्समेंट करतोय की आपण जर कोणी आला असेल तर लगेचच इथे टॉस बॉक्स मध्ये यावं, कारण 3 संघ राहतील शेवटला, 3 संघांमध्ये चिट्टी उडवली जाईल याची पण आपण दक्षता घ्या. ओर टू शेखरजी पाटील. 1 धावेची गरज आहे. अगदी त्या चौकारानं आणि त्या षटकारानं या सामन्यामध्ये अगदी खुला केला तो शिरडोन संघासाठी. निकेश चौधरीकडून ती अपेक्षा होती, ती अपेक्षा मात्र त्यानं सार्थकी लावली. आज टीम मधून पवन टकले थोडेसे आपण पाहिलं तर बाहेर होते, कारण त्यांनी सांगितलं की संघाचा चांगला खेळ सुरू आहे, ते होणं गरजेचं आहे. परंतु इथे मात्र हार्डलक टीम तुम्ही पाहता डेरवली संघ आणि हा सामना मात्र जिंकलाय. तो म्हणजे सुपर 3 साठी क्वालिफाय झालाय, तो म्हणजे तुम्ही पाहताय. आणि या संघाचे पुरस्कर्ते आमचे संतोषीजी चौधरी. अगदी त्यांचं कौतुक करूया आपण, त्यांच्या संघाचं करूया कौतुक आपण. आणि मग दिलीप चौधरी स्मृती 11 श्रीराम क्रिकेट संघ शिरडोन हा आजच्या 3रा आणि मेगा फायनलच्या दिवसामधून अंतिम 3